दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट वर्सटाइल सिंगर सुनिधि चौहान के बारे में। सुनिधि चौहान को तो आप जानते होंगे, इन्होंने अपनी प्यारी सी वॉइस से लोगों को अपना दीवाना बना रखा है। तो इस वीडियो में सुनिधि चौहान के लाइफस्टाइल और बायोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर इन्होंने कैसे स्ट्रगल करके इस मुकाम को हासिल किया और अब करंटली कैसे लाइफ जी रही हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको सुनिधि चौहान पसंद है तो इस वीडियो कर देना लाइक। सुनिधि का रियल नेम निधि चौहान है और प्रोफेशन से सुनिधि एक सिंगर है। सुनिधि चौहान का जन्म 14 अगस्त 1983 को न्यू दिल्ली में हुआ और 2021 के हिसाब से ये 38 साल की हैं। दोस्तों सुनिधि के पिता थिएटर किया करते थे और इनकी माँ एक हाउसवाइफ थी, लेकिन सुनिधि अपना करियर म्यूजिक में बनाना चाहती थी और 4 साल की उम्र से ही लोकल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट लेने लगी। लेकिन इनके पिता के दोस्त ने इन्हें सलाह दी कि वो म्यूजिक को सीरियस ले और अच्छे लेवल पर काम करे, जिसके बाद सुनिधि लाइव शो करने लगी और साथ ही साथ रोज रियाज भी करती थी। दोस्तों सुनिधि ने स्कूल की पढ़ाई ग्रीनवे मॉडर्न स्कूल दिल्ली से की, लेकिन 12th पास करने के बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और अपना सारा टाइम सिंगिंग को देने लगी। और सुनिधि ने अपना एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और उनका एक सपना था कि वो सिंगर बने, जिसके बाद वो ज्यादातर लाइव शो करने लगी। और ऐसे ही एक लाइव शो कर रही थी तब वहां पर फेमस एक्ट्रेस तबस्सुम भी मौजूद थी, जिनको सुनिधि की आवाज बहुत पसंद आई और सुनिधि को मुंबई आने के लिए कहा, जिसके बाद इनकी पूरी फैमिली मुंबई चली गई और मुंबई में ये कालन जी और आनंद जी से मिली, जो कि एक फेमस म्यूजिक डायरेक्टर थे। और इन्हीं के कहने पर सुनिधि ने अपना नाम निधि से बदलकर सुनिधि कर लिया। और जब सुनिधि 11 साल की हुई तो इनके पिता ने जॉब छोड़ दी, जिसके कारण इनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं रही। लेकिन मुंबई में सुनिधि ने कुछ साल कल्याण जी अकेडमी में काम किया। कुछ साल काम करने के बाद ये लीड सिंगर के तौर पर लिटिल वंडर ग्रुप के साथ जुड़ी और फिर इन्हें कई शो और फिल्म से ऑफर आने लगे, जिसके बाद सुनिधि ने 13 साल की उम्र में 1996 में आई फिल्म शास्त्रा के लिए सॉन्ग लड़की दीवानी देखो गाया। और इसी दौरान इन्होंने डीडी नेशनल के सिंगिंग रियलिटी शो मेरी आवाज सुनो में पार्टिसिपेट लिया और इस शो की विनर बनी। दोस्तों इन्होंने बॉलीवुड फिल्म के लिए कई सॉन्ग गाए, जैसे कि महबूब मेरे, धूम मचाले, आजा नचले, कमली, जवान है मोहब्बत और मस्करी। और सुनिधि ने अपने सिंगिंग की वजह से 3 फिल्मफेयर अवार्ड भी अपने नाम कर रखा है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताना सुनिधि चौहान का कौन सा सॉन्ग आपका फेवरेट सॉन्ग है। चलिए मिलवाते हैं आपको सुनिधि चौहान की फैमिली से। तो इनके फादर का नाम है दुष्यंत कुमार चौहान और जैसे कि इस पिक्चर में आप इनकी मदर को देख सकते हैं, और इनकी एक बहन भी है जिनका नाम है सुनेहा चौहान, जो कि इनसे छोटी है। बात करें इनके हस्बैंड के बारे में तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सुनिधि चौहान ने 2 शादी कर रखी है। इन्होंने पहली शादी बॉबी खान से 2002 में की थी, जो कि एक कोरियोग्राफर और डायरेक्टर थे, लेकिन 2003 में इन दोनों का डिवोर्स हो गया, जिसके बाद सुनिधि ने 2012 में हितेश सोनिक से शादी की, जो कि एक म्यूजिक कंपोजर हैं। और इनका एक बेटा भी है जिनका नाम है ठेक सोनिक, जो कि 2018 में पैदा हुए। वहीं बात करें सुनिधि चौहान के हाउस के बारे में तो दोस्तों ये अंधेरी वेस्ट मुंबई में अपने हस्बैंड के साथ रहती है, जैसा कि इन पिक्चरों में आप इनका घर देख सकते हैं। वहीं बात करें इनके कार कलेक्शन के बारे में तो इनके पास मारुति सुजुकी रिट्स है, जिसकी कीमत है 5 लाख रुपए, और दूसरी कार इनके पास है होंडा अकॉर्ड और इस कार की कीमत है 43 लाख रुपए, और तीसरी कार इनके पास है BMW X5 जिसकी कीमत है 77 लाख रुपए, और लास्ट कार इनके पास है मिट्सुबिशी पजेरो और इस कार की कीमत है 30 लाख रुपए। अब बात करते हैं सुनिधि चौहान के इनकम के बारे में। तो दोस्तों सुनिधि चौहान एक गाना गाने के लिए लेती है 6 से 7 लाख रुपए और ज्यादातर इनकी इनकम लाइव कॉन्सर्ट और ब्रांड इंडोर्समेंट से होती है। चलिए बताते हैं आपको इनका नेटवर्थ कितना है। तो दोस्तों इनका नेटवर्थ है 100 करोड़ रुपए। तो ये थी सुनिधि चौहान की लाइफस्टाइल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो की सेलिब्रिटी के बारे में चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।